आमतौर पर भीड़ भाड़ वाले व्यस्त जीवन से दूर सुदूर पहाड़ी इलाकों में लोग अपने मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने जाते हैं। लेकिन ऐसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस पर भी आपराधिक गतिविधियां हो सकती हैं, और उन्हीं के चलते कई बार ऐसे शांत माहौल का आनंद लेते लोगों को भी मुसीबत हो सकती है, और कभी 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 उनकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। नमस्कार, सावधान इंडिया के आज के एपिसोड में मैं शिफाली शाह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाके के एक रिसोर्ट में हुए खौफनाक गुनाह की वारदात। लाइट फिर से चली गई। क्या हुआ? वो देवन वो खिड़की निकल। चल, हवा से हूँ, बंद कर दो। गाइस, कोई है? रात बहुत हो गई है, 10 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा। गाइस, खाने में क्या क्या चाहिए अभी बता दो। एंड हाँ, आप दामोदर, वो लालटेन तो देके चले जाते, कहाँ गए? ओ दामोदर, दामोदर, दामोदर जी, ये दामोदर कहाँ गए? इतनी जल्दी? चमेली, मैं हूँ। डराई दिया तुमने तो मुझे। आप हैं? मैं आपके लिए दूध लेकर के जा रही थी और आपने सारा का सारा दूध गिरा दिया। माफ करना, मैं वो इन्वर्टर रूम जा रहा हूँ। सॉरी। ठीक है, ठीक है। जा रहे हो? हाउ रोमांटिक। रोमांटिक? अभी कुछ समय पहले तो तुम्हें ये जगह बड़ी डरावनी लग रही थी, हॉन्टेड, और अभी हाउ रोमांटिक। छोड़, इन्वर्टर रूम जाना है मुझे। तुम्हें पता नहीं दामोदर ने क्या कहा था? क्या? यहाँ का इन्वर्टर खराब है, चलो मौके का फायदा उठाते हैं। तुम्हें ना कहीं भी
किया था। चलो इसका एक्सीडेंट हो गया था। बारिश हो रही है, सारे रास्ते बंद हैं। पता नहीं इतनी दूर क्या करने आई। स्टूपिड गर्ल। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। प्लीज प्लीज। रूपा तुम पानी लेकर आओगी? मैं पानी लेकर जाती हूँ। प्लीज। गाइस तुम लोग इसके पास रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। प्लीज प्लीज गो। टेंशन क्यों ले रहे हो? पता नहीं कौन है, कहां से आई है, कुछ पता नहीं है। ये यहां कैसे आ गई? कैसे आ गई ये यहां? आप जानती हैं इन्हें? ये यहां नहीं रुक सकती। She can't live here. किसी भी कीमत पर ये यहां पर नहीं रुक सकती। Do it! क्या? देविन यार नेटवर्क ही नहीं। ओह गॉड। कौन बेबी? कौन आ गई है? एक ही तो है जो मेरी लाइफ स्पॉइल करने पर तुली हुई है, रिचा। ए, तुमने तो उसे यहाँ नहीं बुलाया। बेबी, उससे बचने के लिए मैंने यहाँ आने का प्लान बनाया ना, तो मैं यहाँ उसे क्यों बुलाऊंगा? तो फिर वो यहाँ पर कैसे आई? मुझे नहीं पता। उसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ से निकालो मतलब? मेरे बाप का रिजॉर्ट है क्या? हाँ? ये लड़की हमारा हनीमून स्पॉइल कर रही है और तुम कुछ भी नहीं करना चाहते। मैं देख रही हूँ। Actually, you don't love me. Please, relax. Okay. मैं जाके बात करता हूँ, ठीक है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम यहीं पे रुको। मैं देखती हूँ कि वो यहाँ पर कैसे रुकती है। नाक्षी, चमेली दूध का है? मैंने तुमसे दूध मंगवाया था ना, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हमेशा उन कॉलेज के बच्चों की सेवा में लगी रहती हूँ। साहब, एक औरत का एक्सीडेंट हो गया। वो जो भी गाड़ी की आवाज आ रही थी ना, वो जो हॉर्न बज रहा था, वो उसी की गाड़ी का था। हाँ तो चमेली, मैं क्या करूँ? और ये जो मेरे सर में दर्द हो रहा है उसका क्या? मेरी तो कोई चिंता ही नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही पड़े रहूं। हाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं हूं ना आपकी फिक्र करने के लिए। चमेली, वो जो औरत है वो ठीक तो है ना? मेम साहब, वो तो बेहोश है, पर वो मीनाक्षी जी है ना, वो तो उस औरत को देखते ही चिल्लाने लग गई और बहुत भड़कने लग गई और पता नहीं क्या क्या करने लग गई। चमेली, मैं दवाई खा लूं उसके बाद अपनी कहानी सुनाना। हाँ ये लीजिए पानी, और ये रही आपकी दवाई। दवाई खाते ही आपको आराम मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए साहब, मैं चलती हूँ।
आप फ्रेश हो जाओ। हाँ। पागल हो गई हैं आप? क्या कह रही हैं? हालत देखी आपने उसकी? You blind or what? दिखाई नहीं दे रहा आपको? आप मदद नहीं कर सकती तो disturb भी मत कीजिए, please leave. I said leave. देखती हूँ कैसे यहाँ पर रहती है. I'll see to it that she's not here. मार डालूँगी इसे मैं. I'll kill her. जान ले लूँगी इसकी मैं. काम डाउन शिल्पा, ये सिर्फ एक मकड़ी है। आप लोग इधर शोर क्यों मचा रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ? जी एक तो इनका बहुत मैसिव एक्सीडेंट हो गया था और शिल्पा जो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई थी उसमें मकड़ी निकली थी, इसलिए थोड़ा सा डर गई थी। पर ये है कौन और किसके साथ है? शंकर मैं कह रही हूँ ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे अभी कभी यहाँ से बाहर निकालो। ये इन्हीं से पूछिए, इनको बड़ी तकलीफ है इनके यहाँ रहने से, इन्हीं को पता होगा कौन है ये। हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बिना बुकिंग के कोई भी यहाँ पर कैसे रह सकता है बोलो। नहीं हो सकती शांत में। इसकी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। सुनो हाँ। लगता है ये इनका निजी मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम, हम चलते हैं। डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा। तुम्हें इसकी फिक्र क्यों है? लगती क्या है तुम्हारी? मरती है तो मर जाए। पागल हो गया तुम? रिलैक्स प्लीज राशि, रिलैक्स, कूल डाउन, कूल डाउन प्लीज। नहीं हो सकती शांत में, छोड़ो। व्हाट्स रॉन्ग विद हर? देवन तुम कितने अच्छे हो ना, सबकी कितनी फिक्र करते हो। पापा विल बी प्राउड ऑफ यू, आई लव यू हनी। I love you too, honey. अक्षय चल हम डॉक्टर को ले आते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखना, हम लोग आते हैं। चलो चमेली, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या चीज हो। साहब आप भी ना बड़े वो हो। वो मतलब? वो मतलब वो सब आपने ही मंगवाया था ना। रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। लुक डूड, यहाँ पर भी किसी का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई प्रॉब्लम होगी तो? दामोदर भी नहीं है और हिमाद्री का तो हम जानते ही हैं राइट। एक काम करते हैं, तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ और देखता हूँ कि दामोदर कहाँ है। ठीक है? ओके, ध्यान रख। हाँ कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास मीनाक्षी। मीनाक्षी इसी रिचा की हालत कितनी ज्यादा खराब है। ओह तो इतनी फिक्र है रिचा की कि इतने खराब मौसम में भी उसके लिए बाहर जा रहे हो? बहुत प्यार है ना उसके लिए? How dare you? मीनाक्षी रिचा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ट्रीटमेंट के बिना वो मर जाएगी। तो मरने दो, मुझे क्या? रिचा हर जगह तुम्हारा पीछा क्यों करती है? उसके साथ साथ तुमने मुझे भी डिच किया ना। हाँ? You bloody swine! Tell me!
तुम्हें जो सोचना है सोचा। ठीक किया तुमने मुझे। You scoundrel! Come back! पहाड़ी इलाकों में बारिश या ऐसे ही दूसरे प्राकृतिक आपदा या निर्माण की वजह से लैंडस्लाइड या भूस्खलन होते रहते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। देवेन और शंकर डॉक्टर की तलाश में रिसोर्ट से निकले तो थे, लेकिन सड़क टूट जाने की वजह से वो इस इलाके से बाहर नहीं जा पाए और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। मौसम की वजह से आसपास के इलाकों से कोई मदद भी नहीं ली जा सकती थी। ना कोई कहीं जा सकता था, ना बाहर से कोई आ सकता था। मोबाइल का सिग्नल भी तो नहीं मिल रहा था जिसे डॉक्टर को बुलाया जा सके या फिर कहीं से कोई मदद मांगी जा सके। ऐसे खराब मौसम में क्या वाकई में ऋचा शंकर का पीछा करते करते यहां तक आई? जी, कोई है? आपको किसी ने आते हुए तो नहीं देखा था ना? अब आएगा असली मजा।
उठो जल्दी। एक सेकंड। मैं कह रही हूँ उठो जल्दी। जल्दी। कहाँ सोनल? देखो कुछ है। सोनल। सोनल वाह कुछ नहीं। हे वाह। अच्छा तुम खुद देखो। देखो देखो कुछ भी तो नहीं है। लेकिन बहुत बहुत था। सोनल तुम्हें वहम हुआ है? तुमने कोई बुरा सपना देखा? अच्छा कुछ नहीं है वहाँ। वापस सच में कुछ था? कुछ नहीं। हाथ 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 था किसी का वहाँ पे। मैंने सच में देखा था। मैंने अच्छा अच्छा ठीक है अभी हम सो जाते हैं। ठीक है कुछ नहीं हुआ। सो जाओ। चलो सो जाओ। तुम सो जाओ। सो सो जाओ। कुछ नहीं कुछ नहीं है सोनल। सोनल सोने के लिए कहना कैसी तबीयत है तुम्हारी? मार दिया ना तुमने इसे। तुम नहीं चाहती थी ना ये यहाँ रहे। मैं हमेशा के लिए इसे भेज दी। मैंने नहीं मारा इसे। कल रात तुम ही चिल्ला रही थी ना इस पे कि मैं तुम्हें मार दूंगी। रामेश्वर तुम ही ने इसे मारा है। मैंने नहीं मारा इसे। कुछ बोले जा रही है ना? मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा इसे। दिवेन अक्षय दिवेन सच सच बताना मीनाक्षी तुमने रचा का खून किया ना? हाँ मैंने कल देखा था। कल रात तुम बेडरूम के बाहर गई थी। झूठ मत बोलना। यू हेट रिचा और तुमने उसका कत्ल कर दिया। हाँ नफरत करती हूँ मुझसे। आई कांट स्टैंड हर। मैं नफरत करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मर गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे मार दिया। नहीं शंकर मैंने उसे नहीं मारा। हाँ मैं गई थी उसके पास कल लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि वो जगी है कि नहीं। बस रिचा से ज्यादा प्यार करते थे ना तुम तो फिर मुझसे शादी क्यों की? Just for money, right? You are sick, Meenakshi. Absolutely mad. और इसी पागलपन की वजह से तुमने रिचा का खून कर दिया। अब देखती जाओ तुम मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। इस लड़की को कैसे पता कि मीनाक्षी कल रात यहाँ आई थी? इंटरेस्टिंग। मीम साहब, मीम साहब, वो कल रात को जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था ना मीम साहब वो मर गई मीम साहब। क्या
मर गई? हाँ मीम साहब। लेकिन कब, कैसे? आज सुबह मीम साहब, उसकी गर्दन पर मीम साहब कटे हुए का निशान था, और मीम साहब किसी ने उसका गला काट कर उसका खून कर दिया। मीम साहब यहाँ निशान था मीम साहब, पता नहीं मीम साहब। मगर क्यों, किसी की उसके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मीम साहब, वो जो अपनी शंकर बाबू है ना मीम साहब, उनका उस औरत के साथ कुछ लफड़ा चल रहा था। मीम साहब, सब लोग कह रहे हैं कि मीनाक्षी मीम साहब जो उनकी बीवी है ना, उसने उनका खून कर दिया। मीम साहब, मुझे लगता है कि मामला कुछ और ही है, कुछ और ही है मीम साहब। तुम ठीक कह रही हो जमील, मामला कुछ और ही है। मैंने भी कल रात को विंडो में किसी को देखा था। नॉनसेंस। अरे एक्सीडेंट की चोट की वजह से उन्हें कुछ, एनीवेज तुम लोग बेकार की बात छोड़ो। नहीं साहब, कल रात को मैंने देखा साहब। चमेली, तुम यहाँ जासूसी करने आई हो या हमारा ख्याल रखने? अच्छा सुनो, वो उस केयरटेकर का नाम क्या है? दामोदर। उस दामोदर को बुलाना। साहब वो तो पता नहीं कल रात से कहाँ गया हुआ है, उसका तो कुछ भी अता पता नहीं है। चमेली तो ढूंढो उसे, मुझे भूख लग रही है, मुझे नाश्ता करना है। जाओ मेरे नाश्ते का इंतजाम करो। जी सर। जाओ तुम। मुझे तो मीनाक्षी पर डाउट, इसी ने ये मर्डर किया। राइट, मीनाक्षी कल रात बोल भी रही थी मर जाए तो अच्छा ही होगा, पीछा छूट जाएगा। आई एम डैम श्योर उसी ने ये मर्डर किया होगा। एक काम करते ना, पुलिस को इन्फॉर्म करते। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस यही है। ये कौन है? कौन है बेतू? और यहाँ अंदर से कैसे आया तू? एक्स इंस्पेक्टर यशवंत सिंह राठौर। एक्स इंस्पेक्टर इसलिए क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। बढ़िया। तो तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर कोई मर्डर हुआ है? हाँ नहीं, कल रात की लैंडस्लाइड में गिरता हुआ पत्थर लगा और मैं बेहोश हो गया। होश आने पे ये जगह दिखी तो मैं यहाँ चला आया। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए किसी को जगाया नहीं, और बाहर लॉबी में जहाँ उस लड़की का खून हुआ है वहीं सो गया। कमाल की कहानी सुनाई है आपने। एक तो आप एक्स इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद आप कल लैंडस्लाइड में बहुत जी तोड़ मेहनत करके गिर गिरा के यहाँ सुनसान जगह पर आ गए, उसके बाद आप जख्मी होने के बावजूद आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और एक लाश के बगल में जाके सो गए। किसी बेवकूफ को भी जाके कहानी सुनाओगे ना तब भी उसे यकीन नहीं होगा। इट डजंट मेक सेंस। इनफैक्ट मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि हो तो ये भी सकता है कि आप ऋचा को पहले से जानते हो, इनफैक्ट आप दोनों का अफेयर रहा हो, और आपस में जैसे हर किसी में झगड़े होते हैं आपके भी झगड़े शुरू हो गए हो, और झगड़ों की सीमा पार होने के बाद आपका गुस्सा बढ़ने के बाद आप रुचि को इस सुनसान जगह पर ले आए, इस रिसोर्ट में ले आए, और यहाँ पर आके उसका चुपचाप खून कर दिया और इंस्पेक्टर बने फिर। कही ये कहानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया कहानी, तो अच्छी लिखते हो। फिल्मों में ट्राई करो, जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हारा। देख रहा है ये कोई एक्स इंस्पेक्टर नहीं है, टपोरियों की तरह दिखता है। देखो भैया, तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, वरना मत मानो।
उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता और रास्ते क्लियर नहीं हो जाते, मैं यहीं रुकूंगा तुम लोगों के साथ। नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। गेट लॉस्ट। कौन निकालेगा मुझे? तुम? हाँ, मैं। अक्षय भाई, लेट मी टॉक। चलिए भाई साहब, पल भर के लिए हम मान लेते हैं कि आप एक एक्स इंस्पेक्टर और हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन हमारी तसल्ली के लिए क्या आपके पास कोई बैच आईडी वगैरह कुछ तो होगा? है नहीं है ना? फिर पढ़े लिखे लगते हो लेकिन गवारों जैसी बातें करते हो। पुलिस डिपार्टमेंट किसी को सस्पेंड करने के बाद सर्टिफिकेट देता है क्या? अब अपनी बकवास बंद करो और जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ, बहुत भूख लगी है। कोई एक्सपेक्टर नहीं है, फ्रॉड है ये, ऐसे नहीं मानेगा। देवेन चल, उठा के फेंक देते हैं। कोशिश भी मत करना। पुलिस डिपार्टमेंट कैसे धुनाई करता है पता है ना? चल, और वैसे भी अब यहाँ खून हुआ तो मैं तभी जाऊंगा जब ये पूरा केस सॉल्व होगा। तब तक के लिए तुम लोगों को मुझे झेलना पड़े, है ना? अभी जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है। जाओ जाओ। ये दामोदर सुबह से नहीं मिल रहे। मैं किचन में गई थी, वहां पे भी नहीं है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता वो कहीं आसपास भी है। मेरे ख्याल से तुम लोगों को उसे ढूंढना चाहिए, वरना खाएंगे क्या? देवेन, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज डू समथिंग ना। भूख तो मुझे भी बहुत लगी। चलो, लेट्स गो एंड फाइंड समथिंग। चलो चलो। ये दामोदर कहाँ है? पता नहीं गया। दामोदर, ओ दामोदर भाई साहब, क्या कहते हैं कुल्हाड़ी, इसी कुल्हाड़ी से खून किया होगा।
कातिल का तो पता चल ही जाए, लेकिन उससे पहले कुछ खाने का इंतजाम करना, बहुत भूख लग रही है। लैंडस्लाइड की वजह से गैस पाइपलाइन भी टूट गया, लकड़ियों का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। चलो और आ जाऊंगा। तुम दोनों यहीं रुको, हम दोनों आते हैं। अरे देवेन, ये कहाँ गया? यार ये पता नहीं कहाँ गया, गायब हो गया। चल अच्छा है गायब हो गया, अपन भी वापस चलते हैं। अक्षय दामोदर की लाश, तुमने दामोदर का भी खून कर दिया। देवेन देख, मैंने कहा था ना ये खूनी है, इसने दामोदर का भी खून कर दिया। पापा का फोन भी नहीं लग रहा है और कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, मुझे नहीं रहना यहाँ। हम जाएंगे कैसे यहाँ से, हर रास्ते भी तो बंद है। We are stuck here. तुझे तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना, तू तो चाहती यही थी कि हम लोग यहाँ पे फंस जाएं और तुझे देवेन से चिपकने का मौका मिल जाए, वो भी यहीं और तू भी यहीं। ऐसे घूर क्या रही है, तुझे क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता कि तू देवेन से चिपकने के कैसे चक्कर में लगी रहती है? एक बात कान खोल कर सुन ले, देवेन सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और उसके पास जाने की कोशिश भी की ना तो आई विल किल यू। अगर चाहूं तो मैं अभी इसी कुल्हाड़ी से तुम दोनों का भी खून कर सकता हूं, किसी को तुम्हारी लाश का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारा खून नहीं करूंगा। लाश भी ठंडी पड़ चुकी है, इसका मतलब ये है कि खून कुछ घंटों पहले ही हुआ। घाव के ऊपर का खून भी सूख चुका। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि दामोदर का खून तुम्हीं ने किया हो कल रात को, और उसकी लाश को यहाँ पे आके रख दिया, और ये सब करते हुए तुमको ऋचा ने देख लिया और इसलिए तुमने ऋचा का भी खून कर दिया हो, ये भी तो हो सकता है। ये बकवास बंद करो, इस लाश को रिजॉर्ट में ले जाने में मेरी मदद करो, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। लाश को लेकर जाए हम लोग क्यों, खून कर सकते हो और लाश को ढूंढ नहीं सकते? What bullshit? हमने कोई खून नहीं किया है, तुम क्या है हम पे कुछ भी इल्जाम लगाए जा रहे हो? You can't blame us like that. ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? ठीक वैसे ही जैसे तुम लोग मुझे ब्लेम कर रहे हो, साबित करो कि तुमने इसका खून नहीं किया, कर पाओगे? भाई हो कौन तुम, पता नहीं कहां से अचानक आ टपके और आते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर दिया। शायद इन लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं। एक्स पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत सिंह राठौर। तो ऑर्डर मेरे अलावा कौन देगा, ये या ये कॉलेज के बच्चे या फिर तुम जो चल फिर भी नहीं सकता? देखिए आप मेरे हस्बैंड के साथ तमीज से बात कीजिए। मैडम मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी, अब सच्ची बात तो कड़वी लगती है ना। बड़ी बदतमीज किस्म के इंसान लगते हैं आप, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। चलिए
राधा।